कब्र से आवाज आ रही है, बिल्कुल मैंने भी ये हैंड लगा के देखा है, नीचे से आवाज आ रही है, धक धक की आवाज आ रही है, जैसे कोई खटखटा रहा हो नीचे से। कब्रस्तान जूते पीछे कर लो ना। ये देखें, ये कब्र में आवाज आ रही है साथ, बहुत ज्यादा आ रही है आवाज। है भाई, है आवाज, है नीचे से आवाज आ रही है, धक धक की आवाज जरूर आ रही है, आवाज है। कबर से आ रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी प्यारे दोस्तों, जिस तरह का आपको पता है कि कितने दिनों से ये एक खबर, कब्रिस्तान में एक लड़की को दफनाया गया है, जिसकी खबर चल रही है कि अभी वो ज़िंदा है, लेकिन वो उसकी कब्र कशाई की जो टाइम था वो 23 अगस्त का दिया हुआ था, लेकिन आज मजिस्ट्रेट ने वो 25 अगस्त का उसका दोबारा टाइम टेबल रख दिया गया है, और जो कब्र कशाई है वो 25 तारीख को होगी। तो और यहाँ पे पुलिस की नफरी बहुत ज़्यादा आई हुई है कि बहुत ज़्यादा कि किसी को कब्रिस्तान आने की इजाज़त नहीं है। हम दूर से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और सॉरी आप देख सकते हैं कि भी हम जो हैं कि भी बहुत दूर से ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इजाज़त नहीं है वहाँ पे कैमरा लाने की और वीडियो बनाने की। तो बाकी मजीद आपसे बाकी बातें शेयर करते हैं बाद में। जी दोस्तों, अभी हम बाहर जा रहे हैं, बादल काफ़ी आ गए, मौसम ख़राब हो रहा है, ये देखें सामने मौसम के सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखें कब्रें कैसे हैं यहाँ पे, ख़राब हुई हैं बारिश की वजह से। तो अभी जो है कि हम जा रहे हैं कब्रिस्तान से बाहर, ऊपर देखें मौसम कैसा हो चुका है। जी दोस्तों, इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।